आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जॉब्स आप लोगों के हाथ में आई हैं। ये जॉब उन बच्चों के लिए हैं जो सिर्फ 12वीं पास हैं, यानी कि 12th पास हैं। उन 12वीं बच्चों के लिए ये जॉब बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि अगर आप अभी इन पोस्ट में से किसी एक जॉब में निकल जाते हैं या एक पोस्ट पर निकल जाते हैं, तो आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा योगदान साबित होगी ये जॉब। इसमें रेलवे एनटीपीसी के लिए सबसे पहले जो जॉब आई हुई है, उसमें आई हुई है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। एक जूनियर क्लर्क की जॉब होती है रेलवे में, जो कि अंदर बैठे एक क्लर्क होता है जो टाइपिस्ट के लिए इसमें जगह दी गई है। ये टोटल पोस्ट जो है वो 4,319 है, लेकिन ये हर जोन के लिए बांटी गई है और इसमें पे स्केल जो सैलरी है बहुत अच्छी है, 19,990 लगभग इसमें सैलरी रखी गई है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ये जॉब बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आते हैं दूसरी जॉब पर, इसमें अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। जो अकाउंट संबंधित जॉब होती है रेलवे में, उसके लिए इसमें भारतीय रेलवे एनटीपीसी ने 12वीं पास बच्चों के लिए ये जॉब निकाली हुई है। और ये जॉब सैलरी इसमें लगभग 19,990 इसमें सैलरी का पे स्केल रखा गया है। ऐसे भी टोटल पोस्ट लगभग 760 पोस्ट कम से कम इसमें रखी गई हैं, जो कि दी गई हैं। और अब हम आते हैं तीसरे जॉब पर। तीसरी जॉब है ट्रेन्स क्लर्क की, जिसमें सैलरी लगभग 19,990 रखी गई है और इसमें टोटल वैकेंसी यानी टोटल पोस्ट है आपकी 592 इसमें पोस्ट रखी गई है आपकी। टोटल सैलरी समेत इसमें जो वैकेंसी दी गई है ट्रेन्स क्लर्क की, वो 592 है आपके लिए। ये 12वीं पास बच्चों के लिए है। और चौथी सबसे बड़ी इसमें जो जॉब के लिए जो वैकेंसी आई है, वो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। इसमें सैलरी है, सबसे ज़्यादा सैलरी इसमें दी गई है वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए दी गई है, जिसमें सैलरी है 21,700 रुपये और टोटल पोस्ट रखी गई हैं 4,940 रुपये। जी हाँ, 4,940 रुपये इसमें वैकेंसी रखी गई है और सैलरी है 21,700। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं आज इसमें एक झलक हम रिक्तियों का विवरण की ओर देखते हैं। इसमें अब मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूँ। कनिष्ठ लिपिक सह टंकक सातवें सीपीसी के स्तर पर जॉब निकाली गई थी। इसमें 19,900 इसमें वेतन मान है पहली जॉब पर, और लगभग 4,319 इसमें रिक्तियाँ हैं यानी टोटल पोस्ट हैं, ठीक है। और दूसरी है इसमें लेखा लिपिक सह टंकक, यानी कि प्रारंभिक वेतन जो है इसका वो लगभग 19,900 है और से टोटल पोस्ट है 760। अब आते हैं हम ट्रेन लिपिक पर, यानी कि 19,900 रुपये से प्रारंभिक वेतन है इस जॉब पर, यानी इस आपके जॉब पर, और इसमें 592 टोटल पोस्ट हैं। ट्रेन लिपिक की बात कर रहा हूँ तीसरे नंबर पर, 592 इसमें पोस्ट है। और चौथी पोस्ट है वाणिज्य सह टिकट लिपिक, जो कि इसमें प्रारंभिक वेतन सबसे ज़्यादा है। 12वीं पास बच्चों के लिए जॉब है इस वाणिज्य सह टिकट लिपिक में, जो प्रारंभिक वेतन है वो 21,700 है और इसमें टोटल रिक्तियां यानी टोटल पोस्ट है 4,940। मैंने इंग्लिश में कनिष्ठ समयपाल की भी इसमें जॉब थी, जिसमें से 17 रिक्तियां हैं, इन टोटल पोस्ट सिर्फ 17 हैं। इसका वेतन मान भी 19,900 है, ये मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा था, लेकिन मैं आपको इसमें ऐड करा दे रहा हूँ। तो टोटल मिलाकर जो 12वीं पास बच्चों के लिए इस साल रेलवे NTPC के लिए जो जॉब निकली हुई है, इसमें 30 वर्ष के बीच आयु वाले ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और इसमें टोटल पोस्ट यानी कुल रिक्तियां 10,628 कुल टोटल पोस्ट रखी गई हैं यानी दी गई हैं। तो
आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि आपके पेपर की जो डेट है वो लगभग लगभग ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ 3 महीने का अंतराल रखा गया है, यानी कि आपका एग्जाम अगस्त या सितंबर महीने या मंथ के बीच आपका ये जो रेलवे एनटीपीसी 12वीं की जॉब है वो शुरू हो सकती है। इसलिए अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दें। ये मैं आपको बहुत बड़ी मुख्य विशेष सूचना दे रहा हूं, मैं आपको मेन डिटेल, तो आप लोग अभी से तैयारियां शुरू कर दें। स्पेशल मैथ रीजनिंग और जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चन है एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इनको आप ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा तैयारियां आप इसी से करें। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो लास्ट आवेदन करने की तिथि है वो 31/3/2019 शो कर रहा होगा, यानी आपके पास टोटल 4 दिन और बचे हैं इस रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में अपना आवेदन करने के लिए। तो जल्द से जल्द अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन प्लीज जरूर करें, ताकि आपकी महत्वपूर्ण दिन को कोई रोक ना सके, कोई दूर ना कर सके, यानी आप इस जॉब से दूर ना हो सके। मैं भी चाहता हूं कि आपका इस जॉब में सिलेक्शन जरूर हो और रेलवे में आप भी हिस्सेदार बने, और ताकि अगर आपने इसमें आवेदन नहीं किया है, अभी नहीं सोचा है, तो आप प्लीज साइबर कैफे में अपना जल्दी जल्दी जाएं, अपना ऑनलाइन नेट बैंकिंग से इसका फॉर्म भरें और जल्दी से जल्द इसकी डेट बुक करें, क्योंकि सिर्फ 5 दिन बाद लगभग इसकी डेट खत्म हो जाएगी और फिर याद ये जॉब आपके यहाँ से चली गई तो समझो काफी आपको दिक्कत होने वाली है। इसीलिए आपकी ये जॉब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है, आपके आगे की फ्यूचर के लिए है और अभी के लिए भी। पे स्केल सैलरी से बहुत अच्छा है और जॉब्स लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, जॉब पोस्ट बहुत अच्छी हैं। इसमें एक विशेष जानकारी मैं आपको दे दूं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा समय जो पोस्ट दी गई हैं वो इलाहाबाद जंक्शन से दी गई हैं। तो अगर आप पोस्ट में अगर अभी आप अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इलाहाबाद जंक्शन के लिए पहले आप अफोर्ड करिएगा, उसके बाद नासिक जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, झांसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन के लिए भी अच्छी जॉब दी गई है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अगर नहीं गए हैं तो प्लीज़ अपने ऑनलाइन का पंजीकरण जल्दी कराएं। और आपको ये मेरा मैंने ये जो वीडियो बनाया है कैसा लगा है, इसको आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे इसमें आगे के वीडियोस तैयार करेंगे। तो आगे मैं रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके लिए मैं पूरा विवरण सहित इसमें वीडियो तैयार करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे का वीडियोस भी मैं रेलवे के लिए स्पेशल मैं डालने वाला हूं, तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो आप लोगों को कैसा लगा है मेरा ये वीडियो, प्लीज़ अबाउट इट एंड शेयर इट एंड कमेंट इट, और इसको सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। इसको सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब करने से ही, क्योंकि सबके आगे चलेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। थैंक्स।